हिमाचल प्रदेश में विकास करवाने के नाम पर राजनीतिक दल लोगों से वोट ऐंठते हैं। लोगों को हर गांव में बिजली, पानी और सड़क सुविधा पहुंचाने के नाम पर वोट की अपील करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद नुमाइंदे जनता को भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर जिला के वड़सर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोहारी के वरला गांव का है। हरिजन बस्ती वरला के ग्रामीण वर्षो से 2 किलोमीटर सड़क सुविधा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन किसी भी स्थानीय नुमाइंदे ने उनके दर्द को नहीं समझा, केवल आश्वासन देकर वोट ऐंठने का काम किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वड़सर में विधायक चाहे बीजेपी के रहे हो या फिर कांग्रेस पार्टी के, इस बस्ती के ग्रामीणों को सड़क सुविधा के नाम पर आज तक केवल आश्वासन ही मिला है। हालात ये है कि गांव में पहुंचने के लिए घने जंगल और नाले से होकर कच्चा रास्ता गुजरता है। बरसात के मौसम में इस रास्ते की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। नाले में पानी आने की वजह से स्कूली छात्र स्कूल नहीं जा पाते और अपनी पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। अगर गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे कंधे या पालकी का सहारा लेकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है। आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद ये ग्रामीण सड़क सुविधा न होने का दंश झेल रहे हैं। अब ग्रामीणों को हमीरपुर जिला के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सड़क बनाने की उम्मीद जगी है कि वे उनके दर्द को समझेंगे और गांव के लिए सड़क सुविधा मुहैया करवाएंगे। और इसे लेकर जो बरला का रास्ता है, जिस नाले में हम खड़े हैं, यहाँ से मैं अपने जीवन से देख रहा हूँ कि हमारे बुजुर्ग जो थे, हम रास्ते अपना खेतों का सामान इसे अपने सिर के ऊपर उठा के ले जाते थे। बरला वाले भी यहीं से ले जाते हैं और दुकान से भी यहीं से ले जाते हैं। इनका जो आने जाने का रास्ता, जिन दिनचर्या का रास्ता यहीं से है। अपने बच्चों को ये जब छोड़ने आते हैं सुबह और शाम को जब लेने आते हैं स्कूल ख़त्म होने के बाद, तो मैं इनको अक्सर मैं मिलता रहता हूँ, इनके पेरेंट्स से मैं बात करता रहता हूँ, राम सलाम हमारी होती रहती है। परंतु मैं देखता हूँ कि इनके बच्चे जो हैं बरला वालों के, विशेषकर हरिहर बस्ती के, ये अपने माता पिता के बिना इस रास्ते से ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता जो है ये बहुत जंगल वाला रास्ता है। और साथ में जहाँ पानी की बात रहे, मैं पहले कह चुका हूँ कि डुगार का चो, दो चो जो है, सवारी का जो बाजार है, उसका पूरा पानी जो है इस नाले में आता है। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है इन आदमियों की। इन बेचारों के लिए, जो हमारे अर्जुन भाई है, इनके लिए सरकार जो है वो अवश्य सहयोग दे। सब बहुत है, हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो हमें उनको चारपाई पे उठा कर ले जाना पड़ता है और बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाते। हम मांगे ही करते हैं कि हमें रास्ता बनावा दो। तो बरला गांव में सड़क की समस्या है, तो जन्म समस्या है, बच्चे स्कूल में आते हैं, बच्चों को स्कूल में आने में प्रॉब्लम होती है, वो तो जन्म समस्या में हम दो तीन में उस जगह का मैं देखाया हूँ। उस जगह में एक तो बहुत बड़ा नाला है, नाले में बच्चों में चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो ये रास्ता रोड बनना है वो पंचायत लेवल के बस में काम नहीं है, बड़ा काम है। इसमें जो गांव वाले हैं, इसकी जमीन पीडब्ल्यूडी के नाम डीड बने, मैं उसका 100% सहयोग करता हूँ। बाकी जो बरला गांव में हरिजन बस्ती है, इस इनको प्रॉब्लम है। पहले भी मैंने एक दूसरी तरफ से 10 लाख मनरेगा में सल्फ डाला था, वो हमें सर्वजन काम में लिए, वो सड़क दूसरी साइड से आनी थी, उसकी मेरे पास एनओसी है, पर ब्लॉक ने उस सर्वजन कामों के पीछे एक साल से हमें सर्वजन कामों की कोई परमिशन नहीं दे रही है सरकार। इससे मेरी सवारी पंचायत में कम से कम मेरी 25 से 35 फैलें रुकी है सर्वजन कामों की, क्योंकि मैंने हर मौका देखा, जब पीछे आपदा आई थी तो मैंने मौका देखा, जमीन फैले 25 से 35 फैले हैं, उन एक भी फैल सर्वजन कामों की फैल सरकार ने नहीं निकाली है। मैं सरकार से मांग करता हूँ जो भी सर्वजन काम है पंचायतों में उनकी एनओसी दी जाए। आगे रास्ता बनावा देना, आगे रास्ता नहीं है ना, मेरा मुंडा बीमार है, रोज चक्की में आना पड़ता है, रोज लेना बोला चक्की करने दे, आगे रास्ता नहीं है, बाट बना चलने वाले रास्ता नहीं, चलना है जाने के नीचे आ जाने की यहाँ है चक्की करने लिया और दी अरे सियाणी आदि दामों की सारी चक्की चक्की ने अच्छी भी आनी यहाँ ट्राले जी के पानी जी पल तो नैनी यहाँ चक्की करने फिर अच्छी फिर भी खरीदनी फिर कुर्सी पर लैनी चक्की करने चाहे जन्नो रास्ता बनावा तो है आलू को रास्ता नहीं बना दिए
समस्या है। हमारी समस्या है कि जब बरसात में भारी बारिश हो जाती है तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, तो उनको स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है, तो हम उनको स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो सर हमारी बस एक यही समस्या है कि हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारे लिए सड़क बनाई जाए। समस्या सारे बच्चों और मरीजों की है, जब नाले में पानी होगा तो कमर तक पानी होगा तो फिर बच्चों को कैसे भेजेंगे, मरीजों को कैसे लेके जाएंगे, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। और फिर बीमारों को पहुँचाए हैं हॉस्पिटल पहुँचा देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान के भरोसे हैं वो। और बच्चों की पढ़ाई भी सर अगर स्कूल पहुँचेंगे तभी पढ़ पाएंगे, वो भीग के जाएंगे कमर तक पानी में भीग के जाएंगे, बच्चों कैसे बैठेंगे कैसे पढ़ेंगे। सर सरकार से ये है कि सर हमारे रास्ते के ये देखें भाई, मतलब छोटी गाड़ी के लायक हो जाए, एम्बुलेंस के लायक हो जाए, मरीजों को ले जा सके, बच्चे आ जा सके, बाकी राशन पानी हम सहारी से ला सकें। अभी कोई और रास्ता नहीं है हमें, तो बहुत दिक्कत है जनाब। हमारी समस्या है कि हमारे बुजुर्ग भी यहाँ से जाते थे पहले पहले, और हम भी यहाँ से जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी जा रहे हैं। हमने कई बार सरकार के समक्ष ये मांग रखी कि यहाँ पे हमारे लिए बाकी ने एम्बुलेंस रोड तक बनवा दो। हमने जयराम सरकार में भी जो मंत्री थे राजीव सहजल उनके पास भी अपनी डिमांड रखी, उसके बाद ये सुक्खू जी हैं मुख्यमंत्री उनके पास भी हमने अपनी मांग रखी, लेकिन इनका बस जवाब आज तक ही हो जाएगा या आपकी जो है ये अपनी मलकीत भूमि नहीं है। लेकिन ये जब भी कहते हैं कि ये आपकी मलकीत भूमि नहीं है, लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मौके के ऊपर अधिकारी आए, वो यहाँ पे आकर मौका देखें धरातल के ऊपर, तब पता चलेगा कि ये मलकीत भूमि है या श्यामलात भूमि है। और हम तो यहाँ पे नर्क का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो हम तो चाहते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दे रहे, इससे उपरांत क्या चाहते हैं हम। यहाँ पे कैंसर के मरीज है घर में पड़े हैं, कई बार साइलेंट अटैक होता है, मेरी मदर को भी साइलेंट अटैक हुआ, तो स्वास्थ्य की सुविधा न मिलने के कारण वो भी चले गए। हम मन में ये मलाल होता है कि अगर टाइम के हॉस्पिटल में वो पहुँचते शायद बच जाते। अभी आप देखेंगे नीचे की 3-4 मरीज तो ऐसे हैं जो उठ नहीं सकते हैं। हमें स्कूल जाने के लिए बहुत डर, हमें स्कूल जाने के डर लगता है, और इधर हम कई बार गिरे भी है, और जब बारिश होती है तो हमें बहुत छुट्टियां करनी पड़ती है, और हमें मम्मी या डैडी या कोई भी परिवार वाले छोड़ने जाता है और लेने भी आते हैं। हम ये मांग रहे हैं कि सड़क बन जाए इधर, नहीं है तो मैं तो यही बोलता पे आता हूं जो मारी देन जाए जो देने ता खरा, क्योंकि ये समस्या देख दे हुन तारे हंदे बीमार है, नहीं ले सकदे ना कुते लेने हंदे चक्की नहीं हंदे मारा चक्की ने लेना पौंदे, एक दो आदमी कदी एक गादरी लेने लेंदे, कदी चार आदमी चक दे तां पजांदे 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 बट ही मरी जान, तो क्या करना। तेने बोले जी हो जाएगा काम, एमएलए साहब सब आवदे सारे बोले हो जाएगा काम, तुम्हारी समस्या पहले नंबर पर रखी है करेंगे, पर हां जी उन दी दिशी नहीं, वो ही नहीं।